Hello students, how are you? today in this video we will do models. So there are some more verbs like can, could, may, might, shall, should, will would that are used before ordinary verbs to express different meanings such as permissions, possibility, ability, necessity, certainty, and obligations. These are these verbs are called models. Verbs and मॉडल्स इन अदर वर्ड्स मॉडल्स एक्सप्रेस द मूड ऑफ द स्पीकर चलिए इसको मॉडल्स को समझते हैं मॉडल्स के होते हैं आपके कैन कूड में माइट शेल शूड वेल वूड होते हैं ठीक है जो कि कहाँ ऑर्डनरी वर्ब से पहले यूज होते हैं ठीक है और उससे हमें किस चीज़ का पता चलता है जैसे आप किसी से परमिशन ले रहे हो या किसी चीज़ का पॉसिबिलिटी संभव होना या किसी की एबिलिटी क्षमता होना किसी की किसी चीज़ की नेसेसिटी ज़रूरत होना ठीक है सर्टेनिटी और ओब्लीगेशन का पता चले तो वहाँ आप जो है मॉडल्स यूज़ करेंगे मॉडल्स में क्या क्या होता है चलिए मॉडल्स में जैसे मैं अगर आपसे इन शॉर्ट में बात करूँ तो आपके मॉडल्स क्या हैं शल ठीक है जो हम फ्यूचर में यूज़ करते हैं और शुद फ्यूचर का जो पास्ट में यूज़ करते हैं जो ऑलरेडी वी हैव डिसाइडेड ठीक है बात फ्यूचर की कर रहे हैं लेकिन जो ऑलरेडी डिसाइडिड है फ्यूचर में और पास्ट के लिए यूज़ होता है मतलब कि शैल आपका फ्यूचर है शुड पास्ट है ठीक है विल आपका फ्यूचर है वुड पास्ट है कैन आपका प्रेजेंट है कुड पास्ट है ठीक है मे माइट मस्ट और आउट टू तो कहने का की सीधी सी सिंपल सी बात है ये सभी आपके मॉडल्स हैं और उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं प्लस वी वन मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप अप्लाई करेंगे ठीक है तो चलिए समझते हैं हम इनके फंक्शन को और कहाँ कहाँ हम इस मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं ठीक है कैन कैन हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ हमें पोटेंशियल और एबिलिटी मतलब कि अगर हमें किसी चीज़ की काम करने की क्षमता हमें एबिलिटी होगी हमें कैपेसिटी होगी ठीक है तो हम जो है कैन लगाएंगे जैसे हितेन कैन फिनिश दिस टास्क इन एन आज टाइम तो हितेन जो है अपना ये टास्क जो है फिनिश कर सकता है आर्स में ठीक है टाइम क्या है आर्स टाइम में एक घंटे में जो कर सकता है आई कैन ड्राइव अ कार मैं कार को ड्राइव कर सकता हूँ ठीक है और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कैन अगर किसी चीज़ की आप परमिशन ले रही हो ठीक है और इनफॉर्मल मैनर में बोल रहे हो या अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हैं जैसे कैन आई बोर योर कैलकुलेटर कैन आई टेक दिस पेंसिल आप यूज़ करती हैं ना क्लास में यू कैन टेक इट यू कैन ऑल गो फॉर अ फिल्म ठीक है हाँ तुम ले सकते हो तुम फिल्म के लिए जा सकते हो सभी चलिए अब कुड क्या होता है कुड आपका पास्ट होता है ध्यान रखिए कुड क्या है कैन का पास्ट है सीधा है ये हम इन डायरेक्ट स्पीच में यूज़ करते हैं जब आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ी हो तो आपको ये ज़रूर समझ में आएगा तो हम डायरेक्ट स्पीच में हम मोस्टली क्या यूज़ करते हैं दैट यूज़ करते हैं ठीक है दैट के बाद हम जो है यूज़ करेंगे कुड क्योंकि वो कैन का कूड हो जाएगा ऑलरेडी डिसाइडेड है पास्ट है ठीक है और आई आज ललित इफ आई कुड हेल्प हिम कि मैं उसकी जो है मदद कर सकता हूँ है ना सकता ठीक है कैन सकता ये आपका मीनिंग होता है हिंदी में प्रॉपर मे कहाँ पे यूज़ करते हैं मे वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे विश हो ठीक है आप किसी चीज़ की इच्छा जाहिर करते हो किसी के लिए प्रेयर या फेद विश्वास होप आशा ठीक है तो वहाँ पे आप मे यूज़ करते हैं मे यू ऑलवेज बी हेल्दी एंड हैप्पी आप जैसे बोलते हैं मे योर हैप्पी जर्नी भी बोलते हैं है हाँ ना जब कहीं लॉन्ग ट्रैवल पे जाते हैं तो ट्रैवलिंग पे मे हर सोल रेस्ट इन पीस चलिए और किसी चीज़ के लिए यूज होता है ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जहाँ हमारी स्ट्रोंग पॉसिबिलिटी हो जैसे वेडनेसडे में बी हॉलिडे। चाइना में बिकम अ मेजर इकोनॉमिक पावर क्लियर बस आपको इसके यूज़ेस को ध्यान में रखते हुए अपने सेंटेंस में यूज करना है ठीक है माइट कहाँ पे यूज होता है जहाँ आपको हल्का सा भी डाउट नजर आता हो ठीक है जैसे सारा हैज नॉट वर्कड हार्ड बट शी माइट पास मतलब कि डाउट है कि वो, वो हार्ड वर्क तो करती नहीं लेकिन फिर भी क्या हो है वो पास ठीक है शुड इज इज़ द पास्ट ऑफ़ शेल शेल आपका मैंने बताया था फ्यूचर के लिए यूज होता है और शुड उसका पास्ट होता है इट इज़ यूज इन द फॉलोइंग वे किस तरह से यूज़ करते हैं जब हम किसको को एडवाइज़ ठीक है सलाह देते हैं सजेशन सुझाव देते हैं ठीक है जैसे एग्जाम्पल यू शुड गो गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली तुम्हें जो है मॉर्निंग वॉक के लिए डेली जाना चाहिए ठीक है टू ऑफर ओपिनियन ओपिनियन होता है राय ठीक है पीपल शुड वरी मोर अबाउट ग्लोबल वार्मिंग पीपल को जो है लोगों को क्या होना चाहिए वरीड चिंतित होना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए चलिए मस्ट कहाँ पे यूज़ होता है टू एक्सप्रेस नेसेसिटी जहाँ पर ज़रूरत हो यू मस्ट अपेयर फॉर द टेस्ट तुम्हें ज़रूर जो है अपेयर करना चाहिए टेस्ट के लिए ठीक है जहाँ पे मतलब नेसेसिटी हो चलिए अब ये एक्सरसाइज पे आते हैं मेक सेंटेंस यूजिंग शुड और शुड नॉट पता है शुड का मतलब चाहिए और शुड नॉट नहीं चाहिए तो अब आपको ये जो है जंबल वर्ड गिवन है और आपको यू हैव टू मेक अ प्रॉपर सेंटेंस बाय टू यूज शुड एंड शुड नॉट यूज करते हुए बनाना है चलिए नाउ सी द आंसर ऑफ ऑल सो वी शुड डिस्ट्रॉय न्यूक्लियर वेपन्स वी शुड स्टॉप टेस्टिंग मेडिसिन ऑन एनिमल्स हमें जो है स्टॉप करनी चाहिए जो एनिमल मेडिसिन टेस्टिंग यूज होती है मतलब कि जो एनिमल से बेस्ड मेडिसिन बनाई जाती है बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड नॉट गो टू डिफरेंट स्कूल्स अलग स्कूल में नहीं जाना चाहिए स्टूडेंट्स शुड वॉच लेस टेलीविजन स्टूडेंट्स को लेस टेलीविजन देखना चाहिए मतलब कम देखना चाहिए क्या करना चाहिए ज़्यादा स्टडी करनी चाहिए है ना मैन एंड वुमेन शुड गेट द सेम पे फॉर द सेम जॉब चलिए इसके बाद आती है बारी बी पॉइंट की फिल अप गैप्स विद मे और मे नॉट मे और मे नॉट मैंने आपको बताया था किस चीज़ के लिए मे यूज़ होता है मे आप वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको विश प्रेयर फेयर और होप ठीक है या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नज़र आती है क्लियर तो शी मे इफ वी स्टार्ट एट एट वी मे थर्ड में मे नॉट होगा फोर्थ में मे और फिफ्थ में इन मे नॉट इट्स डिपेंड ऑन द सन्टेंस कहाँ पर आपको मे और मे नाट लगाना है जब कभी हम सेंटेंस में पॉजिटिव की बात करते हैं और उसी को जो है रेफर करने के लिए नेगेटिव की बात करते हैं तो मे नॉट आ जाएगा ठीक है जैसे माई फादर एंड आई मे कैचअप टूमोरो सो आई मे नॉट सी यू टमोरो इसी लिए मैं हम जो है सी यू नॉट टू मोरो ठीक है यानी कि हाँ ट्रेन की बात हो रही है मैं और मेरे पापा मतलब कि पकड़ सकते हैं ट्रेन को इसलिए मैं आपको कल नहीं देख सकता क्लियर चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं चलिए नेक्स्ट में लॉन्ग हॉलीडेज के लिए आप गए हुए हैं तो यहाँ पे हिंट गिवन है और उसमें आपको मस्ट और मस्ट नॉट अप्लाई करना है क्लियर तो फर्स्ट आपका ये है मस्ट और मस्ट नॉट के लिए क्या सेंटेंस बनेगा आई मस्ट राइट टू माई पेरेंट्स एवरी वीक आई मस्ट नॉट लूज माई पासपोर्ट आई मस्ट फोन एवरी डे आई मस्ट नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स आई मस्ट नॉट टेक एनी थिंग वेल्यूएबल डी पे आइए डी पे कैन और कैन नॉट लगाना है आपको गिवन वर्ड्स इन अ बॉक्स चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट में कैन स्पीक जैसे मैंने बताया था वी वन अप्लाई होगा देखो स्पीक हुआ है ना कि स्पोक नोट स्पोकन ठीक है कैन प्ले प्लेड भी नहीं है ध्यान रखना प्लेड बिल्कुल आपका रॉन्ग हो जाएगा वी वन वी हैव टू अप्लाई विद मॉडल्स कैन हेल्प ठीक है फोर्थ में कैन नॉट सी फिफ्थ में कैन नॉट ब्रीथ सिक्स में कैन यू कुक कैन पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब है ये रिलेट्स टू द इन सेंटेंस सेवन्थ में कैन नॉट स्विम एथ में कैन नॉट फील कैन नॉट पार्क और टेंथ में कैन नॉट ईट सॉरी कैन ईट आई कैन ईट और आई ए ई में करते हैं आपके मॉडल्स वह फिल करने हैं एबिलिटी बताया गया है यहाँ पर एबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया था किसी चीज़ की एबिलिटी क्षमता हो करने की तो कैन आएगा वहाँ पर क्लियर यहाँ पर पॉसिबिलिटी दी हुई है अगेन वही एबिलिटी और पॉसिबिलिटी सेम है तो कैन आएगा पोलाइट रिक्वेस्ट दी हुई है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कूड आएगा क्लियर परमीशन के लिए कैन आएगा यहाँ पर और प्रोमिस के लिए शैल आएगा क्लियर ऐसे ही सेम सिक्स में माइट शुड शैल शुड कुड एफ में जो फटाफट से करते हैं कैन माइट मे फिल करना है आपको अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ओ तो माइट आएगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस बस आपको ये ध्यान रखना है सेंटेंस आपको सबसे पहले पहचानना है इफ़ दे इज़ अ वीक पॉसिबिलिटी है एडवाइज़ है ऑफर है ठीक है पास्ट एबिलिटी है ड्यूटी है ऑब्लीगेशन है तो किसी से भी रिलेट करता हो तो आपको वही अप्लाई करना है तो यहाँ पे माइट आएगा कैन आएगा ठीक है मे है माइट है कैन है फिफ्थ में सिक्सथ में माइट है सेवन्थ में कैन है और एट्थ में माइट है सेम विद यू हैव टू फिल विल एंड वुड मॉडल मॉडल से ही फिल करना है आपको भी ये भी तो फर्स्ट में वुड आएगा क्योंकि पास्ट की बात करें आई विश यू वुड नॉट टॉक सो लाउडली क्योंकि यहाँ पे देखो विश कर रहे हैं और वो पास्ट जो वो स्टेटमेंट सेंटेंस बोल रही है वो प्रिपेयर है यू शुड नॉट टॉक सो लाउडली तुम्हें जो है तेज नहीं बोलना चाहिए ठीक है तो आई विश उसकी ये विश है वो पहले सोच चुकी है इस बात के लिए तो वो पास्ट आ गया ठीक है बोला फ्यूचर के लिए रही है लेकिन जो आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं वहाँ पे आपको विल का वुड और शेल का शुड यूज करना है अ डॉग विल आई वुड फोर्थ का आपका वुड आएगा फिफ्थ का वेल सिक्स में विल और सेवेंथ में वुड और एट्थ में विल आएगा क्लियर सो होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ विद आंसर्स सो so, अगर आप कोई भी चैप्टर सर्च करना चाहते हैं ग्रामर का रिलेटेड टू लिटरेचर रीडर पार्ट का तो आप चैप्टर नेम सर्च करिए एक्सरसाइज देखना चाहते हैं समरी सुनना चाहते हैं तो चैप्टर नेम डालिए समरी डालिए बाय रानी शर्मा सर्च कीजिए डेफिनेटली यू विल गेट या फिर जो है ग्रामर की एक्सरसाइज देखनी है क्वेश्चन आंसर देखने चैप्टर नेम डालिए क्वेश्चन आंसर्स बाय रानी शर्मा डालिए मिल जाएगा आपको ग्रामर का चैप्टर नेम डालिए एक्सरसाइजेज विद आंसर्स और बाय रानी शर्मा मिल जाएगा आपको ठीक है सो होप यू अंडरस्टूड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस बाय बाय टू ऑल टेक केयर